135 करोड़ भारतीय कल सारी रात दिल थामकर चंद्रमा को देख रहे थे। देश के लोग ये काम अपने घरों की छतों पर खड़े होकर नहीं, वहां जाकर नहीं, बल्कि टेलीविजन स्क्रीन्स, अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स पर पूरा भारत इस ऐतिहासिक लम्हे को बहुत करीब से देख रहा था। सब लोग दिल थाम कर बैठे थे और जैसे जैसे लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था, पूरे देश की बेचैनी भी वैसे वैसे बढ़ रही थी। और आखिर के कुछ सेकेंड्स अपने साथ घबराहट, उत्सुकता और डर लेकर आए। जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा आप सबको थी, वो विज्ञान के आंकड़ों में कहीं उलझ गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेचैनी भरी खामोशी छा गई। देश के वैज्ञानिकों और देश के नागरिकों के मन में एक अजीब सी निराशा छा गई। लेकिन आज हम एक ऐसा डीएनए लेकर आए हैं जो आपको आशावादी बनाएगा। कई बार हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हौसलों की उड़ान भरी। इस उड़ान में विश्वास भी था और उम्मीद भी थी, इसलिए दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वक्त देश के वैज्ञानिकों के साथ खड़े होने का है, उनकी हौसला अफजाई करने का है और एक राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया को अपनी मजबूती दिखाने का है और ये बताने का है कि संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे माहौल में भी कटाक्ष करना नहीं भूले। ऐसे लोग ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं और अंदर ही अंदर खुशियां भी मना रहे हैं। आप जानते हैं हमारा इशारा किसकी तरफ है। इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में भी हैं। ये लोग हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों के परिश्रम पर सवाल उठाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज हम ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करेंगे। मैं मानता हूं ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। कल की रात आप सबको हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि कल रात 135 करोड़ भारतीयों के साथ पूरी दुनिया की नजरें बेंगलुरु में इसरो के कंट्रोल रूम पर लगी थी। कुछ घंटों में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 उतरने वाला था और हो सकता है आपने भी पूरी रात जागकर मिशन मून का ये लाइव टेलीकास्ट देखा हो, या ये भी हो सकता है कि आप जल्दी सो गए हों और आप इसे ना देख पाए हों। इसलिए आज इसरो के कंट्रोल रूम में हर मिनट का वीडियो विश्लेषण करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि चंद्रमा से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर और सिर्फ 69 सेकंड पहले इसरो का विजय रथ आखिर थम कैसे गया। इसलिए हम सिलसिलेवार तरीके से आज आपको बताएंगे कि कल रात हुआ क्या था। पहली तस्वीर रात 1:20 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय पहुंचे। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने उनका स्वागत किया और उन्हें चंद्रयान 2 की लैंडिंग की सारी प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। उस वक्त माहौल में जोश था और एक अजीब सी बेचैनी भी थी। हालांकि इसरो के सभी वैज्ञानिकों को यह भरोसा था कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के लैंडर यानी विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग
हो जाएगी। आखिरी चरण शुरू होने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरे देश को उस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार था। करीब 18 मिनट बाद रात 1:38 पर मिशन का आखिरी चरण शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद लैंडर विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की और जैसे ही विक्रम के डिसेंट यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई, इस दौरान हर चरण की कामयाबी का जश्न तालियों के साथ मनाया। Which is going to basically commence from 5 kilometers, nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase. इसके 120 सेकंड के बाद रात 1:40 पर लैंडर विक्रम की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस दौरान वैज्ञानिक इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जानकारी दे रहे थे। सारी जानकारियां उन्हें दी जा रही थी। चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। रात 1:50 तक लैंडर विक्रम की परफॉर्मेंस सामान्य थी। सभी को उम्मीद थी कि आज ये कामयाबी हमें मिल जाएगी, लेकिन फिर अचानक रात 1:51 पर इसरो के ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एक सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों के चेहरों पर अचानक मायूसी आ गई। सिर पर हाथ रखे वैज्ञानिकों की यह बेचैनी अब लोगों को भी समझ में आने लगी थी, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और असल में हुआ क्या है। वैज्ञानिक अचानक से इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड स्टेशन से विक्रम का संपर्क टूट चुका था और वहां से कोई जानकारी कोई डेटा नहीं आ रहा था। इस दौरान पूरे 7:31 तक सबकी सांसें ऐसे समझिए जैसे थम सी गई हो, सांसें रुक गई, पूरे देश की सांसें रुक गई और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी काफी बेचैन थे। The mission objectives of the rough breaking. थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जैसे करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ा सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से इनिशिएटेड। नियरली 50% ऑफ द लैंडिंग साइट नाउ, जस्ट वी आर मे बी 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल लैंडिंग साइट। व्हेन द मैनूवर वाज इनिशिएटेड वी वर ऑलमोस्ट 600+ किलोमीटर्स एंड एंड क्वाइट अ वेलोसिटी एंड आई थिंक इट हैज बीन गेटिंग रिड्यूस्ड क्वाइट सब्सटेंशियली। वन थिंग आई वुड लाइक, और फिर रात के 1:59 तब हो चुके थे। ये वो समय था जब लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो जाना चाहिए था। इसरो के कंट्रोल रूम में बार बार लैंडर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सभी वैज्ञानिकों को यह एहसास तब तक हो गया था कि भारत का चांद वाला सपना शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद इसरो के चेयरमैन के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और उन्हें इस मिशन से संबंधित कुछ जानकारियां दी। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि के सिवन बड़े भारी मन से प्रधानमंत्री को कुछ बता रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी निराशा जाहिर नहीं होने दी। चंद्रयान के उतरने की प्रक्रिया शुरू हुए 39 मिनट बीत चुके थे। रात 2:17 पर के सेवन की उदासी अब ये बता रही थी कि इस मिशन में कुछ बाधा आ गई है। जिस वक्त वो ये घोषणा कर रहे थे उस वक्त उनकी आवाज कांप रही थी, उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनके चेहरे को देखकर ये समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। के सेवन के साथी वैज्ञानिक उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ मौजूद थे और इसी हौसले के सहारे उन्होंने लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने की ये दुखद घोषणा देश के सामने की। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड अप टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंटली द कम्युनिकेशंस फ्रॉम द लैंडर टू ग्राउंड स्टेशन was lost. The data is being analyzed. ये वो घोषणा थी जिसे सुनने के लिए देश तैयार नहीं था। ये वो शब्द थे जिनके लिए देश के करोड़ों लोग जो इस समय लगातार
चंद्रयान के बारे में अपडेट्स जानना चाहते थे, इन शब्दों को देश के करोड़ों लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसरो के चेयरमैन के इस ऐलान के साथ ही निराशा के बादल छाने लगे, लेकिन उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी का एक नया रूप कल रात देश ने देखा। ये एक ऐतिहासिक पल था और देश के लिए एक बहुत ही नाजुक घड़ी थी। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो निराशा के बीच आशा का संचार करता, एक ऐसे नेता की जरूरत थी। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लीडर के तौर पर देश के वैज्ञानिकों के साथ एक बहुत ही भावनात्मक संवाद किया। देश के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही भावुक पल था, दिल तोड़ देने वाला पल था। इस वक्त उन्हें ढांढस चाहिए था, इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी हिम्मत को बढ़ा सके, क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत सिर्फ 2.1 किलोमीटर और 69 सेकंड के फासले से चूक गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें किसी भी पल ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस असफलता से निराश हैं, और उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को ये भरोसा दिलाया कि पूरे देश को उनकी सफलता पर गर्व है। इसरो के कमांड सेंटर से जो तस्वीरें पूरा देश कल रात को देख रहा था, उन्हें पूरे देश को उन तस्वीरों ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। यानी ये जो चंद्रयान है, इसे आप सिर्फ एक वैज्ञानिक तौर पर मत देखिए, इसे आप एक भावनात्मक तौर पर भी देखिए, इसे राष्ट्रवाद की नजर से देखिए कि चंद्रयान ने कल कैसे पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया, पूरे देश को एक कर दिया, पूरे देश को संगठित कर दिया। पूरा देश एक साथ कल जश्न मनाना चाहता था, और जब जश्न नहीं मना पाया तो एक साथ पूरा देश एकजुट होकर अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़ा हो गया। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है, और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी, और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। और सिर्फ इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, चंद्रयान 2 की लैंडिंग न होने से पूरा देश निराश हुआ। इनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसरो के कमांड सेंटर में इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए आए थे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि निराश होने के बावजूद उन सभी बच्चों को अपने देश के वैज्ञानिकों की कार्यशैली पर गर्व था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद समय निकालकर उन बच्चों के साथ भी एक संवाद किया। कुछ बच्चों ने विज्ञान जगत से जुड़े प्रश्न पूछे, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल एक बच्चे का था जिसने प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछा कि वो बड़ा होकर देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है और इसके लिए उसे क्या करना होगा। इस प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने उससे पूछा, राष्ट्रपति ही क्यों, प्रधानमंत्री क्यों नहीं, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते। ये देश के भविष्य को संवारने वाला एक शानदार संवाद है जिसे आज आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे दोस्ती हो गई, पूरा हिंदुस्तान है,
क्या बताओगे घर जाके? वापिस हमारे स्कूल में बताओगे? सर बताएंगे कि मिशन सक्सेसफुल होने ही वाला था लेकिन कनेक्शन लॉस हो गया लास्ट ईयर, और हमें पूरा विश्वास है कि मिल भी जाए, कनेक्शन मिल जाए। सर आपका नारा पूरा हो गया है, अनुसंधान का बच्चे जब नया नया फिट होते हैं तो बहुत रहते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कभी कभी कि बाद में जब फीस खत्म होने वाला होता है या बाद में उनका उत्साहन मतलब काफ़ी कम हो जाता है। सर आप हमें क्या राय देंगे, हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो हमारी डिटर्मिनेशन है मतलब वो एकदम मजबूत रहे? सर तो देखिए पहली बात है कि लक्ष्य बहुत बड़ा रहता है, फिर छोटे 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 हिस्से में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए, जब मिस किया है उसको भूलते जाना चाहिए। yes, है वरना उसी को तो है यार, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, तो फिर निराशा है, निराशा घुसने नहीं देनी पड़ेगी। Sir, if I want, my aim is to become a president of India, so what steps I should follow? Why president? Why not prime minister? Sir, prime minister. इन बच्चों से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक उदास हैं, इसलिए अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो आज सुबह एक बार फिर इसरो के ऑपरेशंस रूम में पहुंचे और उन्हें बताया कि रात में चंद्रयान 2 की लैंडिंग न होने के बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला उस समय क्यों किया था। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी, आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था, और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं से बातें करूं, इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था, बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है, जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे, मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी, मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था, पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है,
बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। देश और दुनिया में नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर नेता के पास लीडरशिप स्किल यानी नेतृत्व की योग्यता नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस प्रकार का नेतृत्व दिखाया, उसमें चिंता भी थी, व्यवहारिकता भी थी और संवाद की बेहतरीन शैली भी थी। और इसकी सबसे भावुक तस्वीर उस वक्त दिखाई दी जब अपना भाषण समाप्त करने के चंद्रयान की सफलता से सिर्फ दो कदम दूर लैंडर विक्रम का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मतलब ये कि अभी भी क्या कोई चमत्कार हो सकता है, और आज भी हमारा जवाब ये है कि उम्मीद मत छोड़िए, अब भी कोई ना कोई चमत्कार हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अब ये सवाल चल रहा होगा कि क्या अब हम ये मान लें कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब लैंडर विक्रम चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, या अभी भी किसी चमत्कार की गुंजाइश है। और हम आशावादी हैं, इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि हाँ, अब भी चमत्कार हो सकता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे चार कारण हैं। पहला कारण, संपर्क टूटने से पहले लैंडर विक्रम ने कुछ आंकड़े भेजे हैं। इसरो के वैज्ञानिक इन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद ही वैज्ञानिक अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे, इसलिए अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है जो आंकड़े मिले हैं उनमें बहुत कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लैंडर विक्रम क्रैश हुआ है या फिर लैंडिंग के वक्त स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई और लैंडर चंद्रमा की सतह पर गिर गया या क्रैश हो गया। अगला कारण, जैसा कि आपको पता है कि लैंडिंग से ठीक पहले ही संपर्क टूटा था, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग की जानकारी अभी तक नहीं है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुई होगी तो आगे रोवर प्रज्ञान ऑर्बिटर से संपर्क कर सकता है। अगला कारण यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक एक संभावना और भी हो सकती है, और वो ये कि लैंडर ने चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग की हो। आप जैसा जानते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि स्पीड कंट्रोल में अगर मान लीजिए नहीं हो आ पाई तो सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग हुई हो और दोबारा ऑर्बिटर का लैंडर से संपर्क स्थापित शायद हो जाए। और चौथा कारण यह है कि लैंडर विक्रम अगर लैंड नहीं भी हो पाया और रोवर प्रज्ञान अगर काम नहीं भी कर पाया तो भी ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है, ऑर्बिटर बिल्कुल अपने सही स्थान पर है और काम कर रहा है, और अगले एक वर्ष तक यह ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। वो आने वाले समय में चंद्रमा के साथ ही लैंडर की भी तस्वीरें भेज सकता है। इसरो के वैज्ञानिक उन तस्वीरों का अध्ययन करेंगे और तभी पता चल सकेगा कि लैंडर के साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि ऑर्बिटर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऑर्बिटर अभी भी अपनी कक्षा में है, ऑर्बिटर लगातार एक साल तक काम करता रहेगा और ये ऑर्बिटर एक साल तक वहां से लगातार नई नई जानकारियां भेजेगा और डेटा भी भेजता रहेगा। इसलिए कम से कम इसमें इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी सफलता मिली है। वो लैंडर सक्सेसफुली डिटैच हुआ, वो सक्सेसफुली नीचे भी जा रहा था,
और 2 किलोमीटर तक वो कम्युनिकेट भी कर रहा था. 2 किलोमीटर के जब था वो कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया. पहले ऐसा होगा, ये ऑर्बिटर जाता है, नेक्स्ट टाइम वो लैंडर के ऊपर जाएगा, फोटो निकलेगा, कैमरा अच्छा होगा तो पता लग जाएगा कि लैंडर ठीक लैंड किया नहीं किया. सो ठीक लैंड किया तो अच्छा है. वो लैंड निकलने के बदल क्या बोलेगा, डूब के गिर गया, फिर कुछ नहीं हो सकता. तो हम ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने कितना हुआ वो बहुत बहुत अकम्पलिशमेंट है. ये हो सकता है कि सब ये कम्युनिकेशन फॉल्ट था, कल देखेगा कि सब काम कर रहा, पता नहीं, हम वेट करना पड़ेगा. यहाँ तो हमने कुछ ज्यादा खोया भी नहीं है, हमारा चंद्रयान चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अपना डाटा भेज रहा है, कम्युनिकेशन उसके साथ पूरा बना हुआ है. तो हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी अगले आने वाले कुछ दिनों में और अगले आने वाले कुछ सालों में, जब तक हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, हमें जानकारी देता रहेगा, जो हमारे आगे के मिशन्स को सफल बनाने में बहुत सहायक होंगे. भले ही कल लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने से सिर्फ 69 सेकंड पहले ही इसरो से उसका संपर्क टूट गया हो, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी 11 वर्ष का समय लगा और कड़ी मेहनत लगी. इसरो के वैज्ञानिकों ने 11 वर्ष तक कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, 4 वर्षों तक सख्त अभ्यास किया. तमिलनाडु में चांद जैसी चट्टाने तलाशी गई, बेंगलुरु में चांद की सतह बनाकर हजारों बार इस तरह की लैंडिंग कराई गई, यानी जो लैंडिंग कल होनी थी ऐसी लैंडिंग की प्रैक्टिस की गई हजारों बार. कई साल तक इस लैंडर को वैसी ही एक जगह, एक आर्टिफिशियल सरफेस बनाया गया जिस पर हजारों बार इसे लैंड कराया गया था. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब कितना मुश्किल रहा होगा, वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा. चंद्रयान 2 मिशन को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लैंडर और रोवर की टेस्टिंग ही थी. इसके लिए चंद्रमा जैसी मिट्टी, कम ग्रेविटी का क्षेत्र, चांद पर पड़ने वाली रोशनी और वैसे ही वातावरण को तैयार करना था. वैज्ञानिकों के मुताबिक एक तरीका यह हो सकता था कि अमेरिका से चंद्रमा जैसी मिट्टी लाते जो करीब 10,700 रुपए प्रति किलो के भाव है. इस काम के लिए भी 70 टन मिट्टी की जरूरत थी, लागत ज्यादा थी, लिहाजा वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला. उन्होंने यह तय किया कि अमेरिका से थोड़ी मिट्टी खरीदी जाए और उसका अध्ययन करके वैसी ही मिट्टी भारत में तलाशी जाए. इसरो के वैज्ञानिकों को पता चला कि तमिलनाडु के सालेम में कुछ चट्टाने ऐसी हैं जो चंद्रमा की सख्त चट्टानों से मिलती जुलती हैं. जिस मिट्टी के लिए 72 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते वो काम अब मुफ्त में हो गया. त्रिची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पेरियार यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्रों ने उन चट्टानों को पीस कर चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाई. बाद में मिट्टी बेंगलुरु में इसरो सेंटर लाई गई और 2 मीटर मोटी चंद्रमा जैसी सतह तैयार की गई. वहां उतनी ही रोशनी रखी गई जितनी चंद्रमा पर होती है, वैसा ही टेम्परेचर मेंटेन किया गया. उस जमीन पर 2015 से अब तक हजारों बार विक्रम की लैंडिंग कराई गई. चंद्रमा का वातावरण बनाने के लिए हीलियम गैस का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है और हीलियम बहुत हल्की गैस होती है. इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन मून के लिए हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा. 11 वर्षों तक दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया ताकि देश का नाम रोशन हो और हम, आप, देश के 135 करोड़ लोग गर्व से खुद को भारतीय कह सके. चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन कल चंद्रमा ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था और देश की ये एकजुटता पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई. सोचिए, देश के 135 करोड़ लोग अपना धर्म भूलकर, अपनी जाति भूलकर, अपना राज्य भूलकर, सब कुछ भूलकर, स्टेटस भूलकर एक साथ एकजुट खड़े हो गए और हर व्यक्ति कल चंद्रयान की कामयाबी की दुआ मांग रहा था, हर व्यक्ति इसरो के पीछे खड़ा था. आज पूरा देश निराशा में आशा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे ही देश के एक वैज्ञानिक को सार्वजनिक मंच पर अपमान का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा और असहज भी महसूस करना पड़ा. ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इसलिए इस बात पर भी आप सबको ध्यान देने की जरूरत है. हम चाहते
तो हो सकता है इसे नजरअंदाज भी कर देते, लेकिन ये ऐसी बात है जिसे नजरअंदाज ना तो किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए था। आज सुबह इसरो के वैज्ञानिक डीपी कार्निक चंद्रयान 2 से जुड़ी जानकारियां देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। इसी दौरान एक पत्रकार ने बहुत ही अशोभनीय भाषा में एक तरह से चिल्लाते हुए उनसे यह सवाल पूछा कि इसरो के चेयरमैन पत्रकारों के सामने क्यों नहीं आए, वो प्रेस का सामना क्यों नहीं करते और उनकी जगह एक जूनियर साइंटिस्ट को क्यों भेजा गया है। जिस वक्त ये पत्रकार चीख रहा था, ऊंची आवाज में ये सवाल पूछ रहा था, अशोभनीय सवाल पूछ रहा था, उस वक्त डीपी कार्निक के चेहरे के भाव देखकर किसी को भी बहुत तकलीफ होगी। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि उनका काम इस तरह के सवालों का जवाब देना नहीं है। वो एक वैज्ञानिक हैं, वो अपना काम करना जानते हैं, वो इस तरह के सवालों के लिए तैयार नहीं थे, इस तरह की अशोभनीय भाषा के लिए तैयार नहीं थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत पत्रकारों को मुश्किल सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन किसी का अपमान करना और सवाल पूछना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे मौकों पर ऐसे सवाल एक देशद्रोही ही पूछ सकता है। एक देशद्रोही ही अपने देश के वैज्ञानिकों को ऐसे समय में कटघरे में खड़ा कर सकता है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अपने वैज्ञानिकों को आज भी शाबाशी देंगे, उनके प्रति आभार जताएंगे, उन्हें कहेंगे कि हमें आप पर गर्व है और उन्हें शुभकामनाएं देंगे ताकि अगली बार वो सफल हो जाएं, और जो सफलता उन्होंने हासिल की है उस पर उन्हें बधाई देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्यार नहीं करता, देशद्रोही हो, वही अपने देश के वैज्ञानिकों को इस तरह कटघरे में खड़ा कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति ही अपने वैज्ञानिकों पर इस तरह के अपमानजनक सवालों की वर्षा कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति ही ये कह सकता है कि इसरो के चेयरमैन को प्रेस के सामने लाइए, वो प्रेस के सामने क्यों नहीं आते। जो लोग अपने देश को प्यार करते हैं वो हमेशा अपने वैज्ञानिकों को शाबाशी देंगे, उनके प्रति आभार जताएंगे, उन्हें उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देंगे, उन्हें कहेंगे कि जो सफलता नहीं भी मिली है वो भी हम उम्मीद जताते हैं कि आगे वो सफलता आपको जरूर मिले, और उनके परिश्रम पर कभी शक नहीं करेंगे, कभी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए वो कैसे पत्रकार होंगे जो अपने ही देश के वैज्ञानिकों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके परिश्रम पर सवाल उठाना चाहते हैं, वो भी एक बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें एक बड़े चैनल का पत्रकार, और वो बड़ा चैनल कौन है आप खुद समझ जाएंगे। हमारे देश में मीडिया भी अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पहले आप राजनीति में समझते थे कि पोलराइजेशन हो गया है, अब मीडिया भी में भी पोलराइजेशन हो गया है, मीडिया भी दो भागों में बस बट गया है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी इसरो के वैज्ञानिकों को शाबाशी देगा, उन्हें शुभकामनाएं देगा, उन पर कठिन सवाल नहीं दागेगा, क्योंकि समय ऐसा है जब देश को एक साथ रहने की जरूरत है और अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अपने ही वैज्ञानिकों को कटघरे में खड़ा करेगा और उनसे तीखे प्रश्न पूछेगा। वो कौन कौन से चैनल हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि एक ही ऐसा चैनल है जहां के लोग इसरो के वैज्ञानिकों से आज के दिन भी इस तरह की अभद्र भाषा में, आपत्तिजनक भाषा में, इस तरह का आपत्तिजनक सवाल पूछ सकते हैं। ये देखिए। Why has the chairman not come? Normally when something goes wrong, the chairman comes to announce all this. Why is the chairman not here? Please, why is Dr. Sivan not here to face the press? ISRO tradition is when things go wrong, the chairman comes. It's not somebody junior. What's your name? जिस वक्त एक मशहूर चैनल का ये पत्रकार ऊंचे स्वर में, अभद्र भाषा में ये सवाल पूछ रहा था, उस वक्त डीपी कार्निक के चेहरे के भाव देखकर किसी को भी बहुत तकलीफ होगी। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन
कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें जूनियर रैंक का वैज्ञानिक कहकर संबोधित किया गया, उनका अपमान किया गया, उनसे ऊंचे स्वर में यह पूछा गया कि चेयरमैन इसरो कहां है, वो प्रेस के सामने क्यों नहीं आते। ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए, उनका अपमान किया जाए। कोई भी देश अगर आज भारत की सफलता से ईर्ष्या करता होगा या इस असफलता से खुश होता होगा तो वो इस सवाल को सुनकर, इस सवाल को देखकर बहुत प्रसन्न होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो पत्रकार होगा, ये जो न्यूज चैनल होगा जिसका ये पत्रकार है, वो कभी भी देश के बारे में क्या कभी कुछ अच्छा लिख पाएगा, इसरो के बारे में कभी कुछ अच्छा लिखेगा? अगर ये मिशन पूरा 100% कामयाब भी हो गया होता तो ये वो पत्रकार हैं, वो इसमें भी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेते। उन्होंने डीपी कार्निक को एक बहुत ही जूनियर साइंटिस्ट कहकर पुकारा, जैसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम जूनियर साइंटिस्ट से बात नहीं करते, हम सीधे चेयरमैन से बात करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि डीपी कार्निक इसरो के पब्लिकेशंस एंड पब्लिक यूनिट के डायरेक्टर हैं और वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। इस पत्रकार ने तो उनका अपमान किया, उनके जरिए पूरे इसरो का और वैज्ञानिकों का अपमान किया। हम आप सब की तरफ से इन वैज्ञानिकों से, इसरो से और कार्निक साहब से माफी मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि 99.9% भारतीय उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन पर गर्व करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, और जो लोग इस तरह की बातें उनके साथ कर रहे हैं उन पर कृपया ध्यान ना दें, और इन लोगों की तरफ से भी हम उनसे माफी मांगते हैं। सवाल पूछने वाले पत्रकार ने बाद में सोशल मीडिया पर माफी जरूर मांगी, क्योंकि जब पूरे देश में उनकी आलोचना होने लगी तो माफी मांगने के अलावा विकल्प नहीं था। लेकिन उनका जो चरित्र था वो उस समय सबके सामने जाहिर हो चुका था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सच्चाई ये भी है कि जब देश के अंदर ऐसे लोग मौजूद रहेंगे तो देश के दुश्मन उसका फायदा जरूर उठाएंगे और भारत के खिलाफ ऐसी ही छींटाकशी करते रहेंगे। और यही हुआ। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद हुसैन एक ऐसे ही नेता हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर बड़े प्रसन्न हैं, जो चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग ना होने से बेहद खुश हैं और ट्विटर के माध्यम से अपनी टूटी फूटी भाषा में भारत को कोस रहे हैं। हास्यास्पद बात यह है कि इस आदमी ने इसमें भी कश्मीर वाला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया, यानी ये कहा जा रहा है कि हर चीज में कश्मीर का जिक्र करना पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, उसकी जरूरत बन गई है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि फवाद हुसैन ने अपने ज्यादातर ट्वीट्स देर रात को किए, यानी वो भी रात भर जागकर शायद चंद्रयान 2 की लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। वो भले ही आज इतने खुश हों लेकिन उन्हें इस बात की ईर्ष्या जरूर होगी कि भारत को पहले ही मौके में, पहले ही अटेम्प्ट में चांद की सतह के इतने करीब जाने का सौभाग्य मिला, और ये सौभाग्य कम से कम पाकिस्तान को तो कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में ये भी आप देख लीजिए, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया, इंडिया नहीं, उसने लिखा है डियर इंडिया। और मुझे यकीन है भारत के 135 करोड़ लोग इसका जवाब जरूर देंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर कराएंगे। हालांकि हमारे अपने देश में भी ऐसे लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इसरो में बैठकर इसरो के ही वैज्ञानिकों पर ऐसी टिप्पणी कर रहे थे। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों को इसरो के चेयरमैन के सिवान ने 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा था। उन्होंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि जो 15 मिनट आखिरी के होंगे ये बहुत डरावने होंगे। उन्हें इस बात की आशंका पहले से थी और दुनिया का हर स्पेस साइंटिस्ट इस बात को जानता है कि जो आखिरी के 15 मिनट होते हैं ये सबसे डरावने पल होते हैं। इस दौरान लैंडर विक्रम चार चरणों से होकर गुजरा। पहले चरण में लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर नीचे उतरा। इस प्रक्रिया में करीब 10 मिनटों का समय लगा। दूसरे चरण में ऑटोनोमस यानी स्वचालित प्रोग्रामिंग की मदद से विक्रम की ऊंचाई 7.4 किलोमीटर से घटाकर 5 किलोमीटर की गई।
इस प्रक्रिया में करीब 38 सेकंड का समय लगा। इस दौरान लैंडर विक्रम के 5 में से 4 इंजन काम कर रहे थे। तीसरे चरण में विक्रम ने 5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू किया और इसके बाद ये करीब 2.9 किलोमीटर तक सटीक तरीके से नीचे उतरा। लेकिन जब लैंडर विक्रम और चंद्रमा की सतह के बीच की दूरी सिर्फ 2.1 किलोमीटर रह गई थी और समय सिर्फ 69 सेकंड रह गया था, तब अचानक इसका संपर्क इसरो के कमांड सेंटर से टूट गया और इस वजह से इसरो के वैज्ञानिकों को लैंडर विक्रम से आंकड़े मिलने बंद हो गए, डेटा मिलना बंद हो गया और उससे कुछ भी संचार नहीं हो पाया और यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की भी है या नहीं। अगर संपर्क नहीं टूटता और सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता तो विक्रम चौथे चरण में 400 मीटर से 100 मीटर की ऊंचाई तक आते वक्त अपने लिए लैंडिंग की जगह तलाशता। लैंडिंग साइट का निर्धारण करने के बाद लैंडर विक्रम को 65 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना था और इसके बाद लैंडर का पांचवां इंजन भी शुरू हो जाता और अगले 13 सेकंड में विक्रम चांद की सतह पर उतर जाता और ये मिशन भारत का 100% कामयाब हो जाता। लेकिन हो सकता है कि उस समय लैंडर की स्पीड कंट्रोल में ना रही हो, लैंडर की स्पीड ज्यादा हुई हो, हो सकता है लैंडर क्रैश कर गया हो, यह भी हो सकता है कि उसने हार्ड लैंडिंग की हो, इसके बारे में अभी कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन भी ये बात स्वीकार कर चुके थे कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सबसे जटिल प्रक्रिया है, सबसे मुश्किल काम होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस प्रक्रिया का सामना किया और जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का कोई भी देश और दुनिया का कोई भी मिशन अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। इसलिए ये जो इलाका था, ये जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, इसका पहले से ना तो कोई डेटा उपलब्ध था, ना पहले से इसके बारे में किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी थी, ना कोई अनुभव था। इसलिए इसरो के जो साइंटिस्ट थे वो पहली बार ये काम कर रहे थे और इसके लिए उनके पास पहले से कोई भी जो रेफरेंस मटेरियल था वो उपलब्ध नहीं था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के साथ ये एक ब्लाइंड डेट थी जिसके बारे में कोई पुरानी रिसर्च उपलब्ध नहीं थी। के सिवन ने यह भी कहा था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता की दर सिर्फ 37% है, यानी वैज्ञानिक इतने सक्षम होते हैं कि वो सफलता के साथ साथ असफलता का भी एक पूर्व अनुमान लगाकर चलते हैं। मशहूर आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि सफलता भी एक तरह का विज्ञान है, अगर आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं तो परिणाम जरूर हासिल होगा। Like you called it the most complex mission. What are the complexities and what are the challenges in front? Mainly this the entire that the landing on the moon, that the process as well as the craft, then that rover and the process of rover moving, all are new to us. It's a new technology development. That way it's called that all required that very the precision instruments, very precision sensors, and the guidance, control, navigation, algorithm, software. So that's what everything is new. So that's why we are telling this very complex mission. It's first time we are doing that one. You also said that 15 minutes of terror movements. Can you explain it? That is once that the lander is in the 100 by 30 kilometer orbit, when it is reaching that 30 kilometer, it is the braking operations will start. From that time onwards, that the propulsion in the lander the system will function and try to brake the velocity, and in that braking the velocity, this should be done in a very controlled way. And within 15 minutes, this braking, the entire velocity should be broken and they should come and make the velocity zero and land at the same time. So this whole operation happens in the 15 minutes, and at that time, we don't have any control. We have to leave everything to the hands of the lander. And to ensure that this mission to be success during that time, that our heartbeat will increase. So it will be terrifying. That's what I was telling, that very terrifying moment for all of us to watch this particular thing. और अब डीएनए में एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम 135 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने वाले चंद्रयान का विशेषण जारी रखेंगे।
हताशा से भर जाते हैं। लेकिन चंद्रयान के मामले में हम थोड़े निराश जरूर हुए हैं, लेकिन हताश बिल्कुल नहीं। और जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि चंद्रयान से हमारा संपर्क टूटा है, संकल्प हमारा नहीं टूटा है, सिर्फ संपर्क टूटा है, संकल्प और मजबूत हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो अनुभव हमें सबसे खूबसूरत लगता है वो हमेशा रहस्यमय होता है, और रहस्यों को सुलझाने की यही प्राचीन तलब भारत को चंद्रमा तक लेकर गई। चंद्रमा पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 2 ने इसमें से 383,998 किलोमीटर का सफर सफलता के साथ तय कर लिया, यानी चंद्रयान इतिहास रचने से सिर्फ 0.0006% दूर रह गया था, सिर्फ 69 सेकंड की दूरी थी। चंद्रयान 2 पर करीब 11 वर्ष पहले काम शुरू हुआ था, यानी इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने अपने जीवन के 1,00,000 घंटे इसे समर्पित कर दिए। समर्पण और साहस को आप विज्ञान का आधार भी कह सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों के पास ना साहस की कमी है ना समर्पण की, इसलिए विज्ञान की कोई भी चुनौती भारत के बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकती। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार कहा था, सब कहते हैं जांच साहसी की है, प्राण गंवाने में कभी कभी जीवित रहने में हिम्मत देखी जाती है। यानी सिर्फ प्राणों का बलिदान देना ही हिम्मतवर होने की पहचान नहीं है, बल्कि जीवित रहने, संघर्ष करने और लगातार आगे बढ़ते रहने की जिद भी साहस की निशानी है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक भी कभी अपनी विफलता से विचलित न हुए हैं न आगे होंगे। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही चंद्रमा से आप सब के लिए शुभ समाचार जरूर आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी भारत के पास फिर से उठ खड़े होने की पूरी हिम्मत है, और यह हिम्मत चुनौतियों की चट्टान से टकराकर भी कभी क्रैश नहीं होगी। किसी अंतरिक्ष मिशन में एक छोटी सी गलती सफलता को असफलता में बदल सकती है। एक एक सेकंड का हिसाब किताब रखना होता है, और जैसे आपने कल रात देखा, सिर्फ 69 सेकंड से हम चूक गए। इसरो से चंद्रयान 2 पर सवाल पूछने वालों को आज दुनिया की दूसरी महाशक्तियों का स्पेस रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। भारत से कई गुना ज्यादा अंतरिक्ष बजट होने के बावजूद दुनिया की सुपर पावर्स का मिशन कई बार नाकाम हुआ है। चंद्रमा को छूने की सबसे पहली कोशिश रशिया ने की थी। चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए 50 स्पेस मिशंस में रशिया को सिर्फ 25 में ही सफलता मिली, यानी उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सिर्फ 50% सफलता पर टिका हुआ है। उसके आधे मिशंस फेल हुए, 50 में से 25 फेल हो गए। चंद्रमा पर अमेरिका का रिकॉर्ड रशिया से बेहतर रहा है। अमेरिका ने 47 अभियान लॉन्च किए हैं जिसमें से सिर्फ 32 ही सफल रहे हैं, बाकी फेल हो गए। इन सभी देशों के मुकाबले भारत का अंतरिक्ष रिकॉर्ड शानदार है। अब तक लॉन्च किए गए 2 मून मिशंस में चंद्रयान 1 पूरी तरह से सफल रहा, और चंद्रयान 2 को भी इसरो 95% सफल बता रहा है। इसलिए हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े देश हैं जिनके बजट हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, और जो जिनके स्पेस प्रोग्राम्स हमसे कहीं ज्यादा पुराने हैं, जिन्होंने 1950-1960 में ही अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, इनके भी आधे मिशन लगभग फेल हुए हैं। इसलिए हमें तो हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका और रशिया जैसे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। इस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हैं कि असफलता में सफलता की तलाश कैसे की जाती है। ये वीडियो 12 अप्रैल 2019 का है, जब इजराइल का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रयान 2 हुआ। उस वक्त इस मिशन के प्रमुख और स्पेस आईएल के चेयरमैन मॉरिस कान ने अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए जो कुछ कहा वो आज आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये वीडियो तब का है जब इजराइल का मून मिशन विफल हुआ था, क्रैश हो गया था। Well, we didn't make it, but we definitely tried. And I think that the achievement of getting to where we got is really tremendous. I think we can be proud. और जिस वक्त इजराइल का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ उस वक्त वो चंद्रमा की सतह से करीब 10 किलोमीटर दूर था।
इसी तरह चंद्रयान 2 के लैंडर से जिस वक्त इसरो का संपर्क टूटा वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था, यानी जो इसराइल का स्पेसक्राफ्ट था वो हमसे काफी पहले ही क्रैश हो गया था, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ था। हमारा जो संपर्क टूटा है वो 2.1 किलोमीटर की दूरी से संपर्क टूटा है। चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 69 सेकंड से चूक गया। कुछ लोगों ने कहा इंडिया फेल हो गया, लेकिन सच तो यह है कि इस मिशन से सीखने वाली कई बड़ी बातें हैं। स्पेस साइंस की बात जब भी होती है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद हमेशा आती है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि सफलता और असफलता के मायने क्या हैं। हम सोच रहे थे कि आज अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम होते तो हमारे वैज्ञानिकों से क्या कहते, वो देश की जनता को आप सबको आज क्या संदेश देते। इसलिए आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम वर्ष 2008 में दिए उनके एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा आज आपको सुनाना चाहते हैं। I worked to Indian Space Research Organization for about 20 years. There only we achieved the putting a satellite in the orbit, building a four-stage rocket system. Then I took up the integrated guided missile program with my team. I means the team. And youthful teams were... Fortunately, were my team members, and they have worked together, and we have great value addition because the youth power, and the program, particularly such a strategic missile program, succeeded, and the most important area is human resource development, so the program are in safe hands now. I learned one of the important thing in these programs, both space program, missile program. We should know how to handle the success, how to handle the failures. Particularly, you are in the management environment. I want the young people to understand how to manage the failure, because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. And the project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. So this is what I have learned. आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में एक कसक जरूर होगी। काश लैंडर विक्रम सही सलामत चंद्रमा की सतह पर उतर जाता। काश चंद्रयान 100% सफल हो जाता तो आज पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर एक नया इतिहास बन जाता और वो इतिहास भारत बनाता। अगर सफल लैंडिंग हुई होती तो आज सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच लैंडर विक्रम पर बने रैंप से रोवर प्रज्ञान सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता। 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान अब तक चंद्रमा की मिट्टी पर 500 मीटर की दूरी भी तय कर चुका होता, यानी लगभग आधा किलोमीटर चल चुका होता और बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहा होता। इसरो के रोवर प्रज्ञान के पहियों से चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान भी बन जाते और चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा के लिए अमर हो जाता। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हमारी पहचान का हिस्सा है। ये देश के शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि ये चिन्ह चंद्रमा की सतह पर अब दिखाई नहीं देगा। रोवर प्रज्ञान के पहियों में ये डिजाइन बनाए हुए थे जो चंद्रमा की मिट्टी पर भारतीयों के लिए गर्व करने वाली छाप छोड़ देते। जो स्क्रीन पर हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं उसके पहिए जो थे रोवर प्रज्ञान के, उस पर इस तरह की स्टैंप लगाई गई थी कि जब वो चले चंद्रमा की सतह पर तो ये निशान छोड़े जिसमें इसरो का लोगो था और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था। कल की रात भारत का इतिहास बदलने वाली रात थी। भारत के इस साहसिक मिशन में इतना गुरुत्वाकर्षण था कि 135 करोड़ भारतीय रात भर जागकर चंद्रयान से जुड़ा एक एक अपडेट हासिल करते रहे और 135 करोड़ भारतीय लगातार इस मिशन की सफलता की दुआ करते रहे।
पूरे देश ने विक्रम की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी और जी न्यूज के साथ पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जश्न के इंतजार की घड़ियां लंबी होती गईं और अंत में इस पर विराम लग गया। लेकिन भारत कर्म को अहमियत देने वाला देश है। फल यानी परिणाम की चिंता वही लोग करते हैं जो अपने कर्म को लेकर शंका से घिरे होते हैं। कल जी न्यूज की टीम भी रात भर यहां जी न्यूज के स्टूडियो में और न्यूज रूम में जागी हुई थी। सुबह तक हमारी टीम एक्टिव थी और हम इंतजार करते रहे कि शायद कोई शुभ समाचार वहां से मिलेगा। हमने भी बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी कि जब ये मिशन कामयाब होगा तो हम इसका स्वागत कैसे करेंगे, हम आपके लिए क्या क्या लेकर आते। बहुत सारी नई चीजें थी जो हमने आपके लिए बनाकर रखी थी, इस बार उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि वो मौका जल्द आएगा जब वो सारा जश्न, वो सारी चीजें, वो सारे नए नए प्रोग्राम्स जो हमने बनाकर रखे थे आज के लिए, वो हमें आपको दिखाने का मौका मिलेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कर्तव्य का पालन करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म होता है और इस प्रक्रिया के दौरान यश और अपयश की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें यकीन है कि हमारे देश के वैज्ञानिक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और चंद्रमा पर भारत का विजय रथ एक ना एक दिन जरूर पहुंचेगा, जरूर उतरेगा। जिस तरह महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, ठीक उसी तरह हमारे देश के वैज्ञानिकों का दृढ़ निश्चय अंतरिक्ष के महाभारत में देश को विजयी जरूर बनाएगा। कल हमने आपको मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी की एक कविता सुनाई थी। ये कविता उन्होंने देश के वैज्ञानिकों के लिए लिखी थी और इस भाव के साथ लिखी थी कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, इसलिए इस कविता में उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। और आज उन्होंने एक नई कविता लिखी है। आज उन्होंने आज के हालात को देखकर उन्होंने 135 करोड़ भारतीयों की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक और कविता हमें भेजी है और वो हमारे माध्यम से आप सभी को ये कविता सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज में। फिर से हम संकल्प उठाकर और त्वरा से निकलेंगे, नस नस धनुष डोर खींचेंगे, विजय गगन पर लिख देंगे। जाग उठी है ज्योत हृदय में, अब इसको है चैन कहां, अंधकार से जाकर कह दो उजियारे ही जीतेंगे, उजियारे ही जीतेंगे। ये नया भारत है, ये इस देश का सौभाग्य है कि अब हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे भी देर रात तक जागकर वैज्ञानिकों को इतिहास बनाते हुए दिखते हैं। चंद्रयान 2 की लैंडिंग को देश के करोड़ों लोगों ने जबरदस्त उत्साह और उत्सुकता के साथ एक साथ देखा। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी घटना थी, ये एक ऐसा मिशन था, ये ऐसा चंद्रयान था जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, एक सूत्र में पिरो दिया। ये आजाद भारत के इतिहास में शायद पहला मौका था जब पूरा देश एक साथ रात भर जाग रहा था, इतिहास का गवाह बन रहा था और वैज्ञानिकों के चेहरे पर आते चिंता के हर भाव को देखकर बेचैन भी हो रहा था। भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत इमोशनल हैं, यानी बहुत भावुक लोग हैं। लेकिन भावुकता कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये जुड़ाव की पहचान है। और आपने हमेशा महसूस किया होगा, अगर आपने कड़े परिश्रम के साथ दिल से कभी कोई काम किया है और अगर वो काम पूरा ना हो तो आपको दिल से उतना ही दर्द भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपने बहुत परिश्रम के साथ काम किया होता है और उतनी सफलता ना मिले तो फिर उतना ही दर्द दिल से निकलता है और कई बार वो दर्द आंखों के जरिए पानी बनकर निकलता है। चंद्रयान से पूरे भारत की भावनाएं जुड़ी हैं और अब पूरा देश एक साथ ये कह रहा है कि हम कामयाब जरूर होंगे। इसलिए आप परिश्रम